हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जुलाई 2020 में जो आपका DNS अलाउंसेस है उसमें बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने जो है अभी ताज़ा आंकड़े जो है जो डेटा होता है उसको जारी कर दिया। लेबर ब्यूरो जो शिमला है उसकी रिपोर्ट आई है जिसके बेसिस पे जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे जो है जुलाई 2020 में आपको कितना महंगाई भत्ता मिलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अभी जो है जनवरी 2020 का महंगाई भत्ता या DNS अलाउंसेस आपके पास नहीं आया और मैं जुलाई 2020 की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि आपको जो जनवरी 2020 में 4% एक्स्ट्रा यानी कि 17% से 21% आपको महंगाई भत्ता सरकार प्रोवाइड कराएगी। जब भी आपको इसको प्रोवाइड कराएगी आपको आपके बाकी जो एरियर होगा जनवरी फरवरी मार्च जो भी आपके 3 या 4 मंथ का एरियर होगा वो आपके अकाउंट में आएगा और इसके अलावा उसके बाद से आपकी जो सैलरी होगी उसमें अगले मंथ से वो ऐड होकर आने लगेगा, तो आप चिंता न मत करिए। चलिए देख लेते हैं। और अगर चैनल पर आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2020 यानी कल को ये रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से लेबर ब्यूरो की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI IW जनवरी 2020 जिसके बेसिस पे आपका जो है आपको DNS अलाउंसेस जो आपको डिसाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं द ऑल इंडिया CPI IW फॉर जनवरी 2020 रिमेंड स्टेशनरी एट 330 ऑन वन मंथ परसेंटेज चेंज इट शॉड नो चेंज बिटवीन दिसंबर 2019 एंड जनवरी 2020 व्हेन कंपेयर्ड विद द इंक्रीज ऑफ +1.99% बिटवीन दिसंबर 2018 एंड जनवरी 2019। चलिए आपको हिंदी में भी दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति है औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2020 का औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है 330 अंकों के स्तर पर स्थिर रहा है। सूचकांक में दिसंबर 218 एवं जनवरी 2019 के बीच +1.99% की तुलना में दिसंबर 2019 एवं जनवरी 2020 के बीच किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं दर्ज किया है। तो जो इसमें डेटा निकल के आया है डेटा आप देख सकते हैं 330 अंक जो लास्ट मंथ में था यानी जिससे आपका DNS अलाउंसेस जो जनवरी 2020 का डिसाइड हुआ था सेम रहा है यानी कि स्थिर रहा है। इसी के बेसिस पर हम देखेंगे बाकी। आप ये सामान देख सकते हैं जो खाद्य पदार्थ हैं इनके बेसिस पर तैयार किया जाता है डेटा और जो सिटीज़ हैं किन में क्या क्या हिसाब से जो प्लस और माइनस अंक होते हैं उसी हिसाब से तैयार किया गया है। चलिए आप देख लेते हैं अब आपका जो है DNS अलाउंसेस हम देखते हैं। आपको पता है दिसंबर 2019 में 330 अंक के डेटा के साथ में आपको 21% जो है महंगाई भत्ता सरकार प्रोवाइड कराई। अब बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में भी अगर 330 अंक जो आपका जो आपने अभी रिपोर्ट देखी उसमें 330 अंक रहा तो उसके हिसाब से आपको एक एक अंक हम बढ़ा के चलेंगे और आपको बताएंगे एक्सपेक्टेड DA एंड DNS अलाउंसेस मिनिमम इतना भी रहता तो आपको इतना परसेंट DA जरूर मिलेगा जुलाई 2020 में। तो अगर 330 रहते हैं तो 22.16 रहता है और एक अंक और हम बढ़ाते जाते हैं। फरवरी में भी 331 रहते हैं तो 22.93 अंक होता है। फिर हम एक अंक बढ़ाते हैं अगर 332 अंक होता है तो 23.66 होता है। फिर अगर हम एक अंक बढ़ाते हैं अप्रैल में 333 में तो 24.33 होता है। ऐसे हम अंक बढ़ाते जाते हैं तो आप देख सकते हैं पर मई में 334 अंक के साथ में 24.97 और फिर एक अंक बढ़ाते हैं फाइनली जून में तो 335 अंक के साथ में 25.57 आपका DNS अलाउंसेस है। यदि आपको 21% अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है और फिर अगर 25% होता है तो ये समझ लीजिए कि आपको 21 से 25% होने में 4% का जो है आपको DNS अलाउंसेस तो गवर्नमेंट कम से कम प्रोवाइड कराएगी। इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा इस बात की कंफर्मेशन है यानी 4 से ऊपर ही आपका DNS अलाउंसेस जाएगा। इससे नीचे किसी भी सिचुएशन में आपका DNS अलाउंसेस जुलाई 2020 का नहीं जाएगा। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि कितना परसेंट आपको कैसे मिलेगा पूरा आपको प्रैक्टिकली करके पूरा जो DNS अलाउंसेस को जो कैलकुलेटर है उसमें डेटा को पुटअप करके बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा इसको और ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।